हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 7। द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, लेसन 14 है अल्जेब्रिक फार्मूला एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स, जिसके आज हम प्रैक्टिस सेट 52 देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड राइट देम इन द प्रोडक्ट फॉर्म। सो एक ही क्वेश्चन है जिसके फोर छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये नंबर को हमको फैक्टराइज करना है और इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। अब स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर को फैक्टराइज करना मतलब क्या होता है पता है क्या? वो नंबर के ऐसे नंबर्स करना, जैसे कि समझो मैंने यहाँ पर लिया 8, तो ये नंबर को ऐसे छोटे छोटे नंबर में पार्ट करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 8 आए। तो इसका क्या हो सकता है, 8 2 4 जार 8, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टराइज। बट ये 4 का भी और फैक्टर पड़ता है, 2 2 जार 4। सो इसका मतलब 8 का फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। यानी इसके ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि जिसके आगे कोई भी फैक्टर नहीं पड़ेगा आगे जाके। यानी कि ये जब आंसर लिया था मैंने, तो ये आंसर मेरा रॉन्ग था, क्योंकि 4 इसके और आगे जाके पार्ट पड़ने वाले हैं। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर में पार्ट करो कि जो पार्ट के आगे कोई भी नंबर ना आए, यानी प्राइम नंबर्स ही आए। और दूसरी बात, तीनों का चारों का दो नंबर होंगे, उनका प्रोडक्ट वो सेम नंबर आए। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पर 201 है। अब 201 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो नंबर्स फाइनल रहे, जो प्राइम नंबर रहे। तो इसको 3 से डिवीजन होता है। अब ये मैंने कैसे पहचाना, इसका लगे तो मैं फिर से एक वीडियो बना लूँगा स्पेशल कि 2 + 1 कितने होते, 3। और जब कोई नंबर के डिजिट के एडिशन 3 या 3 के मल्टीपल से होती है, तो उसको नंबर को 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। सो 201 को हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 201 डिवाइड बाय 3, 36 आर 18 एंड 37 आर 21, यानी 67, 3 × 67। और 67 ये प्राइम नंबर है, अब इसके आगे होगा नहीं, इसलिए मैं 201 को लिखता हूँ 3 × 67। अब ए क्यूब और बी स्क्वायर ये दो नंबर है। अब ये नंबर ही नहीं पता हमको, तो इसका सॉल्व कैसा करेंगे, आंसर कैसा लाएंगे? इसलिए ए क्यूब इसका फैक्टर क्या होगा, a × a × a, 3 बार a, और b स्क्वायर का मतलब 2 बार, सो मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b, बस हो गया हमारा आंसर। आया समझ में? तो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है 91xyt स्क्वायर। सो 91 मतलब 7 × 13 होगा। सो 7 × 13 × x कितने बार है, एक ही बार है, चलो एक बार लिख लिया। इंटू y कितने बार है, एक ही बार है। इंटू t कितने बार है, 2 times। सो t × t हो गया। आया समझ में? ये है फैक्टराइजेशन, और इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखकर भी मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद इसमें ही थर्ड क्वेश्चन है, 24a² b²। अब 24 के फैक्टर्स हम देखेंगे। सो 24 3 8 = 24, 3 के फैक्टर पड़ते हैं क्या, नहीं, 3 जैसे के वैसे ही। 8 मीन्स 2 4 = 8, फिर से 4 के होते हैं, 2 2 = 4, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इतना नंबर इसके फैक्टर होते हैं। सो 24 के जगह पर लिखता हूँ मैं 2 × 2 × 2 × 3। ए स्क्वायर मीन्स a × a, और बी स्क्वायर मीन्स b × b। तो ये हो गया उसका फैक्टराइजेशन। और फिर है tr²s³। सो देखो t एक बार है, r² 2 बार है, s³ 1 2 3, खत्म। तो यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस सेट 52 खत्म होती है। बहुत छोटी सी प्रैक्टिस सेट थी और इजीली, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरा एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।